मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, आज आप लोगों के सम्मुख वर्ग चौथा के पाठ्य पुस्तक हिंदी व्याकरण को आपके सम्मुख लाया हूं, जो कि अध्याय नंबर 4 से है और इस अध्याय का नाम वचन है। वचन के बारे में अगर हम जानकारी जाने तो इसके बारे में समझ लें कि वचन जो होता है किसी संख्या के बारे में बोध कराता है। वह संख्या, जैसे हम किसी संख्या को कोई एक रूप में जानते हैं, किसी संख्या को अनेक रूप में जानते हैं, तो ये सारे वचन में ही आते हैं। अगर हम इसकी विस्तृत रूप से और चर्चा करते हैं तो देखते हैं इसकी परिभाषा की ओर। अगर हम देखते हैं वचन में तो देखते हैं कि संज्ञा शब्द का जो रूप उनकी संख्या, यहां पर दिखाया गया संख्या, संज्ञा शब्द का जो रूप उनकी संख्या के विषय में बताए उसे वचन कहते हैं। यहां पर फिर से अगर हम देखें तो संज्ञा शब्द का जो रूप उनकी संख्या बताए, उनकी संख्या के ओर ध्यान कर रहा है, कितनी संख्या है इसकी ओर ध्यान कर रहा है। या जैसे इसका उदाहरण में हम देखेंगे, जैसे चारपाई, तो चारपाई का यहां कहने का मतलब किसी एक चारपाई के बारे में यहां पर बताया गया, और यहां चारपाइयां अर्थात एक से अधिक चारपाइयां के बारे में यहां पर चर्चा किया गया। पहले में एक चारपाई और यहां पर अनेक चारपाइयां, मतलब एक से ज्यादा है चारपाइयां। अब यहां पर अगर हम देखें दूसरा उदाहरण, तो यहां पर जैसे देखेंगे ये डंडा, और यहां पर अगर इसका बहुवचन में देखेंगे तो ये हो गया डंडे, एक से अधिक का बोध कराया। अब अगर हम वचन के भेद पर आते हैं तो वचन के दो भेद होते हैं, वचन के दो भेद होते हैं, ये एक वचन एक होता है और दूसरा होता है बहुवचन। पहला एक वचन, दूसरा बहुवचन, दो भेद माने जाते हैं। अब हम अगर हम एक वचन के बारे में देखते हैं तो इसके बारे में हम देख लेंगे कि इसकी परिभाषा को देख लेंगे कि संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। एक वचन कहने का अर्थात किसी एक का बोध होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर यहां हम देखें कुर्सी, कोई एक कुर्सी, तोता, तो एक तोता के बारे में दिखाया गया, लड़की, तो कोई एक लड़की के बारे में दिखाया गया। अगर हम बहुवचन में इसी पर आते हैं तो बहुवचन में देखें कि संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके एक या एक से अधिक होने का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। यहां पर बोध कराया एक का, यहां पर कराया एक से अधिक का, और एक से अधिक जो भी आए ये बहुवचन में कहलाते हैं, बहुवचन उसको कहते हैं। जैसे उदाहरण में हम देख लें तो यहां कुर्सियां, तोते, लड़कियां, यहां कुर्सी एक वचन में आया तो उसका बहुवचन में कुर्सियां हो गया। अगर तोता यहां एक वचन में है तो यहां बहुवचन में तोते, अगर लड़की यहां पर हो गया तो हम यहां पर लड़कियां देखें, लड़कियां हो गया यहां पर बहुवचन में। अन्य उदाहरण भी हम देखते हैं। अब अगर हम इसके ओर अगर हम ध्यान देते हैं तो कुछ अन्य उदाहरण भी इसमें शामिल होते हैं। अगर हम इसको देखें तो अन्य उदाहरण को, तो एक वचन तथा बहुवचन शब्दों के कुछ उदाहरणों को हम देखते हैं जिससे और हमें विशेष रूप से स्पष्ट हो जाए, समझ में आए। तो अगर हम एक वचन की ओर देखते हैं तो चिड़िया, इसका बहुवचन हुआ चिड़िया, यानी एक चिड़िया अनेक चिड़िया, इससे बोध हुआ। बाली, बालियां, यहां एक बाली है, अनेक बालियों के बारे में चर्चा किया गया। वैसे बच्चा, तो बच्चे, यहां एक बच्चा है, एक वचन, अनेक बच्चे का बारे में बताया गया तो बहुवचन, ये बच्चे अनेकों में एक से नहीं एक से ज्यादा है। अब आ गया जैसे माता, माताएं, जटा, जटाएं, कमीज, कमीजे, बात, बातें, और यहां पर और उदाहरण देखेंगे जैसे दवाई का, दवाइयां, गाड़ी जो कि एक वचन में है, गाड़ियां बहुवचन में है, बालिका जो कि एक वचन में है, बालिकाएं जो बहुवचन में शामिल है, गाय जो एक वचन में है,
और गाय को हम देखें तो ये बहुवचन में आया। अगर हम देखें ऋतु तो ऋतु यह एक वचन हुआ, और अगर हम ऋतुएं देखें शब्द तो यह शब्द बहुवचन में शामिल है। अब यहां टोकी टोकरी पर देखें तो टोकरी हो गया एक वचन, टोकरियां हो गया बहुवचन। अब यहां नीचे देखते हैं आंख, तो इसका ये एक वचन में है, और आंखें अगर देखें तो यह बहुवचन में है। तो इस तरह से हमने देखा वचन, और वचन के बारे में हमने परिभाषाएं देखी, वचन के बारे में कुछ उदाहरणें देखे, और इससे यह स्पष्ट हो गया कि वचन किसे कहते हैं, वचन के क्या भेद है। सारे बातों को इस वीडियो के माध्यम से आप सभी बच्चों को दिखाया गया। आशा है आप सभी इसको अच्छी तरह से देखेंगे, समझेंगे, और जो PDF के माध्यम से आप सभी बच्चों को जो भी नोट्स भेजे जाते हैं, आंसर क्वेश्चन भेजे जाते हैं, वे सभी भी अच्छी तरह से लिखेंगे, अपनी कॉपी में लिखते रहेंगे। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।